Bismillahirrahmanirrahim. In this video, we will discuss the nephrology topic MCQs point Paeds. अब हम देखेंगे कि जो बच्चों में ओलिग्यूरिया होता है इन्फेंट्स में जो वन ईयर के बेबी होते हैं उनके अंदर अगर 1 ml/kg यूरिन हो इट्स मीन ओलिग्यूरिया. अगर 0.5 ml से कम हो चिल्ड्रन में तो हम कहेंगे ये ओलिग्यूरिया है. और अगर 400 से 500 ml/hr हो तो ये एडल्ट्स में होता है. अगर 50 ml जो है पर डे कम हो तो इसे एन्यूरिया कहते हैं. अगर 5 ml/kg यानी कि 2.5 से 3 liters हो पर डे में तो इट्स मीन पोलीयूरिया है. हीमाचूरिया हम कब कहते हैं, अगर हमें हाई पावर फील्ड के अंदर 3 या 3 से ज़्यादा RBCs मिले तो इट्स मीन हीमाचूरिया. और ये बहुत कॉमन MCQs है कि 3 RBCs मिलेंगे तो हम इसे हीमाचूरिया कहते हैं. और नेफ्रोटिक सिंड्रोम जो है इसके अंदर क्या देखते हैं, जब हम प्रोटीन देखते हैं इसके अंदर तो 40 mg/m² हो या फिर 3.5 g से ज़्यादा हो या फिर 4 dipstick पे देखें तो 4 से ज़्यादा हो. ठीक है, अब जो मैक्रोस्कोपिक हीमाचूरिया जो होता है जो हमें एक्जैक्ट पता चल रहा होता है कि पेशेंट को यूरिन में ब्लड आ रहा है इट्स मीन एक्यूट सिस्टाइटिस है. ऑर्थोस्टेटिक प्रोटीन यूरिया जो होता है वो ज़्यादातर स्कूल चिल्ड्रन के बच्चों में ज़्यादा होता है. ठीक है, इसके अलावा नेफ्रोटिक सिंड्रोम जो है इसकी पीक आती है 3 ईयर्स के बेबीज़ के अंदर. इसमें बॉयज़ ज़्यादा इफेक्टेड होती है, HLA-DR7 की म्यूटेशन होती है. इसकी मोस्ट कॉमन कॉज नेफ्रोटिक में मेडिसिन में भी पढ़ चुके हैं कि इसमें मिनिमम चेंज डिजीज़ होती है. ठीक है, इसका उन्होंने कहा मोस्ट कॉमन कॉज स्कैंड्रिन. इसको आपने डायग्नोज कैसे करते हैं, 24 और यूरिन प्रोटीन. नेफ्रोटिक के अंदर हमने पढ़ा था कि प्रोटीन रिलीज होती है तो हम इसके अंदर यही गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है, 24 और यूरिन प्रोटीन चेक करते हैं. और एम्पैरिक इसका ट्रीटमेंट स्टेरॉइड केयर है. कॉन्जेनिटल नेफ्रोटिक सिंड्रोम जो होता है ये शॉर्टली आफ्टर द बर्थ होता है, ऑटो रिसेसिव होता है और लीड्स टू द डेथ बाय 5 ईयर्स ऑफ लाइफ में इस पेशेंट की डेथ हो जाती है. अब नेफ्रोटिक में तो हमने मिनिमम चेंज डिजीज पढ़ा. नेफ्रिटिक के अंदर सबसे कॉमन जो है पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है. इसके अंदर बैक्टीरिया बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई होता है. 1 से 3 वीक आफ्टर द नेफ्रिटिक सिंड्रोम होता है कॉफी और कोका कलर यूरिन आता है. इसके अंदर एएसओ टाइटर एंटीडीएनएस इंक्रीज हुआ होता है. इसका ट्रीटमेंट है पेंसिलिन फॉर द 10 डेज. ये पॉइंट्स आपको स्नेरियो में भी हेल्प करेंगे. इसके अलावा एमसीक्यूज भी कवर हो जाएंगे. आईजी नेफ्रोपैथी ये मोस्ट कॉमन ग्लोमेरुलर क्रॉनिक ग्लोमेरुलर डिजीज है. ठीक है, ये सेकंड और थर्ड डिकेड में होती है. ये अगर तो अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के 1 से 2 डेज के बाद बेबी या फिर अडल्ट जो भी प्रेजेंट करे इट्स मीन आईजी नेफ्रोपैथी. अगर 1 वीक के बाद करे इट्स मीन पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस. नेक्स्ट गुड पास्चर सिंड्रोम के अंदर क्या होता है कि इसमें हीमाचूरिया बेसिकली मिलता है. एंटीबॉडीज अगेंस्ट आईवी कोलेजन के अंदर पल्मोरिनल सिंड्रोम होता है यानी कि आपके लंग्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं. ठीक है, इसमें एसी इनहिबिटर को अवॉइड करना है. हाइपरकैलेमिया और नेफ्रिटिक के अंदर आपको सस्टेन रेजिन मिलती है. ये जो इंपॉर्टेंट है वो पहले ही हाइलाइटेड है. यूटीआई जो है ये ज़्यादातर बाय द 5 ईयर एज में होता है. ठीक है, मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म एमसीक्यू आता है कौन सा होता है, ई कोलाई. ठीक है, और इसका मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर जो है वो बेसिकली यूरेटरी रिफ्लेक्स है. गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट आप यूरिन का कल्चर कराएंगे. ठीक है, स्टेराइल. इसके अलावा एसिम्प्टोमेटिक बैक्टीरिया यूरिया पॉजिटिव यूरिन कल्चर. अगर तो पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक है तो यूरिन कल्चर पॉजिटिव आएगा लेकिन सिम्टम नहीं अपेयर होंगे. ठीक है, इसके अलावा रीनल अल्ट्रासाउंड जो होती है पाइलोनेफ्राइटिस में इनिशियल इन्वेस्टिगेशन होती है. यूरिनरी स्टोन जो होती है मोस्ट कॉमन, ये भी 5 ईयर्स के बिलो बेबीज में ज़्यादा होती है. और इसके अलावा पढ़ा था कि यूटीआई भी ज़्यादा इन्हीं बच्चों में होता है. और जब भी यूरिनरी स्टोन होगी तो आप क्या करवाते हैं, नॉन कंट्रास्ट सीटी जो होता है ये इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होती है. ठीक है, आगे प्री रीनल ARI एक्यूट रीनल फेलियर के अंदर या फिर इंजरी के अंदर हमने पढ़ा था कि प्री रीनल इसकी मोस्ट कॉमन कॉज होती है. ठीक है, 55%. इसके अलावा पोस्ट रीनल में सेम इन्वेस्टिगेशन नेक्स्ट के फ्लूइड ओवरलोड के अंदर अगर हाइपरकैल्सीमिया होगा तो हाइपरकैल्सीमिया तो आप क्या देंगे, कैल्शियम ग्लूकोनेट देते हैं. कैल्सीमिया तो भी कार्डिक फेलियर में आपने डायलिसिस करना है. क्रॉनिक रीनल फेलियर हम कब कहते हैं, जब GFR 60 से कम हो जाता है. ठीक है, कॉन्जेनिटल रीनल एन्यूरिया मेलफॉर्मेशन लेस देन 5 मोस्ट कॉमन कॉज होता है हेरिडिटरी रीनल डिजीज. रीनल ऑस्टियो डिस्ट्रोफी की वजह से क्या होता है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है तो इसमें पेशेंट को विटामिन डी देते हैं. एंड स्टेज मैनेजमेंट डायलिसिस और ट्रांसप्लांट है. इसमें से हम सिर्फ नेफ्रोलॉजी के देखेंगे. ठीक है, पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल में कोका कलर यूरिन आता है. मेटाबॉलिक एसिडोसिस कॉम्प्लिकेशन है किसकी, रीनल फेलियर की. वीक यूरिन स्ट्रीम किसके अंदर आती है, हाइपरस्पैडियासिस के अंदर. ठीक है, बेस्ट प्रोग्नोसिस इन द नेफ्रोटिक सिंड्रोम, मिनिमम चेंज डिजीज होती है. ठीक है, नेक्स्ट देखें इसमें नेफ्रोलॉजी का एक ही है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम की कॉम्प्लिकेशन हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया हो जाता है. कॉम्प्लिकेशन इसमें नॉर्मली भी यही होता है. ठीक है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंदर क्या होता है, ट्रांसुडेटिव एडिमा होता है. ठीक है, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर के अंदर भी और नेफ्रोटिक सिंड्रोम में भी ट्रांसुडेटिव एडिमा होता है. नेफ्रोटिक सिंड्रोम का ट्रीटमेंट लीड टू द पेरिटोनाइटिस, आप ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक देंगे जब भी पेरिटोनाइटिस यानी कोई भी इन्फेक्शन होगा. ठीक है, क्रॉनिक रीनल डिजीज के साथ जो भी रीनल फंक्शन का जो होता है वो 50% अगर लॉस इज मीन इंपेयर रीनल फंक्शन. ठीक है, फिर ज़्यादा तो क्रॉनिक रीनल फेलियर की तरफ जा सकता है. यूरिनरी कॉपर किसके अंदर, विल्सन डिजीज में ज़्यादा होता है. ठीक है, C3 लेवल जो होता है वो नॉर्मल होता है किसके अंदर, मिनिमम चेंज डिजीज के अंदर. और ग्रॉस हीमाचूरिया हो प्लस डाउन सिंड्रोम हो, इसके अलावा एब्डोमिनल मैस मिले इट्स मीन विल्मस ट्यूमर होता है. हीमाचूरिया भी होता है, इसके अलावा एब्डोमिनल मैस और डाउन सिंड्रोम. नेक्स्ट पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल का ट्रीटमेंट स्टेरॉइड है. कॉजेटिव एजेंट नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंदर स्ट्रेप नमोनिया जो कि पेरिटोनाइटिस कॉज करेगा. ठीक है, इसके अंदर से देखें जब भी विटामिन डी आपकी बॉडी में डिक्रीज होता है तो क्या होगा, फॉस्फेट की एक्सक्रीशन हो जाएगी रीनल ट्यूब्यूल से. डेली प्रोटीन की रिक्वायरमेंट जो होती है 2 mg/kg होती है. हाइपोकैलेमिया में मसल वीकनेस हो जाती है. बॉडी वेट गेन बाय द एंड ऑफ द 1 ईयर, ये तो उसमें आ जाएगा ना न्यूट्रिशन में, ये बाद में करेंगे. इसके अलावा इसके अंदर नेफ्रोटिक सिंड्रोम के देखते हैं कौन कौन से रीनल में से आए हुए, जिसके अंदर रीनल कितने नहीं दिए हुए. इसमें देखें बताया हुआ है फ्लूइड रिक्वायरमेंट चाइल्ड की अगर एक्यूट रीनल फेलियर हो जाए तो हमने क्या देना होता है, 400 ml/day यूरिनरी आउटपुट, लॉसेस इन द स्टूल, वॉमिटिंग और सक्शन, ये चीज़ें हमने करनी होती है. ठीक है,
ये जो मैं आपको ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, प्रोटीन की डेली रिक्वायरमेंट 2 मिलीग्राम पर केजी है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से क्या, अगर डेफिशिएंसी होगी तो क्या होगा, फॉस्फेट की एक्सक्रीशन भी कम हो जाएगी बॉडी से।